हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक इन इन्वेस्टमेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अगर आप कंफ्यूज हैं कोई भी म्यूज़िक सिस्टम लेने का, कि आप होम थिएटर लेंगे कि साउंड बार लेंगे या तो पार्टी स्पीकर लेना चाहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल टेक इन इन्वेस्टमेंट। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी मार्केट में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि कौन सा हमको बाय करना चाहिए और कौन सा हमें बाय नहीं करना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अब ये डिपेंड करता है कि म्यूज़िक सिस्टम आपको लेना क्यों है और आपका रिक्वायरमेंट क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मूवी और म्यूज़िक सिर्फ सुनते हैं और अगर आपका बजट कम है तो आप होम थिएटर की तरफ जा सकते हैं। 5-6 हज़ार के आसपास 5.1 चैनल के होम थिएटर काफ़ी सारे मार्केट में हैं। अभी हमने अनबॉक्सिंग भी किया था जेब्रोनिक का 8591 होम थिएटर, जिसमें HDMI ARC का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। उसमें माइक का भी ऑप्शन है, 125 वाट का आउटपुट भी है। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में हम दे देंगे, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपका, लेकिन उस होम थिएटर में आपको डॉल्वी ऑडियो का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आप नॉर्मली मूवी देखना चाहते हैं, म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, तो वो होम थिएटर जेब्रोनिक का 8591 बिल्कुल कंप्लीट होम थिएटर है। बिलो 6000 के रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएगा। और अगर आपका बजट और भी कम है तो और भी सारे होम थिएटर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो फ्रेंड्स, आप जो है मूवी और म्यूज़िक दोनों का आनंद लेना चाहते हैं और थोड़ा सा और इंक्रीमेंट देखना चाहते हैं अपने म्यूज़िक सुनने में और मूवी देखने में, तो आपको साउंड बार के तरफ जाना चाहिए। लेकिन साउंड बार में आपको ये देखना है कि कौन सा 5.1 चैनल है। कम से कम दो रियर स्पीकर आपको ज़रूर होना चाहिए, और ताकि अगर आप मूवी देख रहे हैं तो एक अच्छा साउंड इफ़ेक्ट आपको सुनाई दे, सराउंड साउंड आप सुन पाएँ। जी हाँ फ्रेंड्स, साउंड बार में डॉल्बी डिजिटल DTS का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा 10,000 के आसपास। अगर आपके पास उससे भी ज़्यादा बजट है तो फ्रेंड्स, आप अगर होम थिएटर में थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहते हैं और डॉल्बी ऑडियो और डिजिटल साउंड सुनना चाहते हैं, तो यमहा का आपको डॉल्बी डिजिटल होम थिएटर मिल जाएगा 5.1, और लॉगिटेक का भी मिल जाएगा। लेकिन वो सब होम थिएटर अराउंड 30,000 के आसपास आपको देखने को मिलता है। लेकिन उसका एक्सपीरियंस ही अलग होगा, क्योंकि वो चारों कोनों पे आपको अच्छे से आप वॉल में उसको अटैच कर सकते हैं। लेकिन साउंड बार में आपको सिर्फ दो ही रियर स्पीकर देखने को मिलेगा और एक साउंड बार आप जो है टीवी के आसपास लगा सकते हैं। और साउंड बार में फ्रेंड्स, अगर और थोड़ा सा और अच्छा आपको परचेजिंग करना है तो सोनी का भी आप साउंड बार ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स, ये सब खेल है बजट का, किस तरह का बजट है, क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप साउंड बार और होम थिएटर में परचेजिंग कर सकते हैं। होम थिएटर में आपको डॉल्बी डिजिटल और डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट लगभग 30,000 के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन आपको साउंड बार में वही 10,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा, डॉल्बी डिजिटल या डॉल्बी का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा आपको साउंड बार में। और 5.1 अगर लेना चाहते हो तो थोड़ा सा 1-2 हज़ार ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। ये तो रहा फ्रेंड्स होम थिएटर और साउंड बार में। अब बात करते हैं पार्टी स्पीकर क्या काम आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, पार्टी स्पीकर, अब अगर आप पार्टी करते हैं, आउटडोर म्यूज़िक सुनना चाहते हैं,
घर के बाहर आप सुनना चाहते हैं। पार्टी स्पीकर में एक खास बात यह है कि उसमें बैटरी होता है, आप उसको चार्ज कर लीजिए, 3 से 5 घंटे या 8 घंटे वो बैकअप देगा और आप आउटडोर में भी बहुत ही अच्छे से आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। और उसके साथ पार्टी स्पीकर के साथ आपको माइक भी मिल जाएगा, ब्लूटूथ माइक भी मिल जाएगा। उसके बाद आप कॉर्ड से भी माइक अटैच कर सकते हैं, डुएट सिंग कर सकते हैं। गाना अगर गाने का शौकीन है तो आप पार्टी स्पीकर ले सकते हैं, पार्टी करना पसंद करते हैं तो आप पार्टी स्पीकर ले सकते हैं। मूवी और म्यूज़िक थोड़ा बहुत आप सुनते हैं तो आप सुनते हैं या देखते हैं तो आप पार्टी स्पीकर ले सकते हैं। तो यही बात है फ्रेंड्स, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आपको सिर्फ मूवी और म्यूज़िक सुनना है या साथ में आपको पार्टी भी करना है और ओकेज़न में भी आउटडोर में भी आपको म्यूज़िक को यूज़ करना है, साउंड सिस्टम को यूज़ करना है, तो उसी हिसाब से आपको परचेजिंग करना चाहिए। तो यहाँ पे बात यही है कि आपको पार्टी वगैरह करना है तो आप पार्टी स्पीकर ले सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत म्यूज़िक और मूवी का भी आनंद ले सकते हैं, ब्लूटूथ आप कनेक्ट करके गाने वगैरह सुन सकते हैं। लेकिन डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी प्लस या होम थिएटर का या थिएटर का एक्सपीरियंस लेना है तो आपको होम थिएटर या साउंड बार लगाना होगा। और हाँ फ्रेंड्स, हमने होम थिएटर का भी अनबॉक्सिंग किया है, साउंड बार का भी अनबॉक्सिंग किया है और पार्टी स्पीकर टी सीरीज का भी अनबॉक्सिंग किया है। जाके आप आई बटन पे या इंडस्क्रीन में जाके देख सकते हैं। टी सीरीज का भी आप पार्टी स्पीकर ले सकते हैं, बोट का भी स्पीकर पार्टी स्पीकर ले सकते हैं बिलो 10,000 के रेंज में। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप सोनी का भी पार्टी स्पीकर ले सकते हैं, सोनी है, फिलिप्स है, JBL है, बहुत सारे इसमें वाट और कंपनी पे डिपेंड करता है आपका पार्टी स्पीकर का प्राइस। उसके बाद आप साउंड बार बोट का, सोनी का, JBL का, जेब्रोनिक का, जो भी आपको पसंद है आप जाके परचेजिंग कर सकते हैं। बाकी होम थिएटर फ्रेंड्स, हमें होम थिएटर भी HDMI ARC अगर कनेक्शन है तो आप उस होम थिएटर को प्रिफर करिए, क्योंकि HDMI का जो कनेक्शन से आप मूवी देखेंगे या म्यूज़िक सुनेंगे तो उसका आनंद बहुत ही अलग ही होता है। तो हमने फ्रेंड जेब्रोनिक का भी होम थिएटर का अनबॉक्सिंग किया है, आई बटन में स्क्रीन में दे देंगे, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ टेक एन इन्वेस्टमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।